आज इस मौके पर सौदान मालेगांव के लोग हमारे किदवई रोड ऑफर्स यूनियन की टीम से मिले, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इन्हीं के चैनल के माध्यम से मैं किदवई रोड ऑफर्स यूनियन की जानिब से, किदवई रोड दुकानदार की जानिब से, शहीदों की यादगार से लेके पेरी चौक तक जो दुकानें लगी हुई है, सरदार मार्केट, मोहम्मद अली रोड, सभी दुकानदार से मैं ये दरखास्त करता हूँ कि आप लोग इत्मीनान बख्श तय धंधा करिए। और रात में जब आप लोग दुकानें बंद कर रहे हैं तो अपना अपना जो वेस्टेज कचरा हो रहा है तो वो वेस्टेज कचरा अपने अपनी डफिन में रखिए, ताकि सुबह 6 बजे कर्मचारी लोग भर करके लेकर जाए, ताकि अपने वजह से पब्लिक को भी तकलीफ ना हो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मालेगांव शहर वासियों से ये दरखास्त करता हूँ कि आप लोग 25 रोजे से पहले पहले मसूरात की खरीदी कर लीजिए, लेडीज की, बच्चे की, ताकि 25 रोजे के बाद जब किदवई रोड फुल होता है तो जेंट्स हजरात की गर्दी ज्यादा हो जाती है, तो कोई भी तरीके की अपनी पर्दा नशीर माँ और बहनों को ना इत्तेफाकी ना हो, तकल्लुफ ना हो, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं दरखास्त कर रहा हूँ। और दूसरा, किदवई रोड पर अल्हम्दुलिल्लाह चप्पल की दुकानें है, रेडीमेड की दुकानें है, टोपी है, रुमाल है, नाइट ड्रेस है, और भी कई दुकानें हैं। सब दुकानदार अपने अपने दुकानदार चीप रेट में धंधा कर रहे हैं। और मैं महाराष्ट्र भर से जो खेड़े हो गए, देहात हो गए, सिटी हो गए, जिला हो गया, वहाँ से जो पब्लिक आ रही है, हम लोगों के ऊपर भरोसा रखिए, इंशाल्लाह अजीज बहुत अच्छा रेट हम लोग ले रहे हैं और आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं और तुमको फैसिलिटी भी अच्छी दे रही है। और उसके बाद फिर एक बार मैं हमारे शार्प न्यूज़ का और हमारे मालेगांव शहर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे ही हम लोगों ने कल हॉकर्स यूनियन की टीम ने कल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करी। कल शिव जयंती थी, शिव जयंती के मौके पर रमजान शरीफ का मौका था, तो हम लोग ने शिव जयंती के मौके पर यहाँ पर हॉकर्स लोगों की टीम ने शिव जयंती के मंडल के जो अध्यक्ष थे, उप अध्यक्ष थे, उनकी पूरी टीम थी, अल्हम्दुलिल्लाह हॉकर्स यूनियन के प्लेटफॉर्म के जरिए वो टीम का हमने इस्तकबाल किया मोहम्मदिया रिक्शा स्टॉप पे। और वो इस्तकबाल करने का विषय ये था सिर्फ कि मालेगांव शहर में हिंदू मुस्लिम एकता कायम है और आगे भी कायम रहे, मैसेज देना हमारा मकसद था। अस्सलाम वालेकुम। रमजान का आज 18 रोजा हुआ है और आवाम जिस हिसाब से खरीदी कर रही है यहाँ पर पूरे इत्मीनान तरीके से, कोई मसला नहीं है। अभी सलीम उस्मान मार्केट में हमारी परफेक्ट शोरूम हमने इफ्तिताह किया है उसका, तो वो फर्म भी पब्लिक बहुत कोऑपरेट कर रही है। और हमारे भाई है छोटे किंग बुटीक नाम से, उन्होंने दुकान शुरू की है, वहाँ पर भी कस्टमर का बहुत अच्छा रिस्पांस है। आवाम का हम तय दिन से शुक्रिया अदा करते हैं और इत्मीनान बख्श तरीके से लोग खरीदी कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी कोऑपरेट कर रहे हैं, हमको कोई ऐसा मामला नहीं है। और हम दुआ करते हैं जितने तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को दिल की अमीक गहराइयों से किंग बुटीक और परफेक्ट शोरूम की तरफ से ईद की पुरखलूस मुबारकबाद एडवांस में पेश करते हैं। और हमारे फर्म पर हिंदू मुस्लिम तमाम संगठन के लोग आगे परचेस कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, भाईचारगी का एक पैगाम किदवई रोड से जा रहा है।